हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और मेडिकल कॉलेज के बारे में जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि आपका गौतम बुद्ध नगर इन द स्टेट उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जिसे MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी मिला गया है। तो शुरुआत करेंगे हम राइट फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो यार बात करें अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, 2020 में इसको एस्टैब्लिश कराया गया था, राइट। और साथ ही साथ में इसका हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सो बोथ द मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड एक ही कैंपस में। सो यहाँ पर आपको जैसे देख सकते हैं NIIMS जो है इसका अब्रिविएशन है, जिसे MCI से अप्रूवल भी मिला गया है। सो लास्ट ईयर ही ये खुला था, एक साल ही हुआ है इसको, 2020 में, राइट, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो एक नया कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसके बारे में हम बात करने वाले। एक प्राइवेट ओनरशिप है इसकी, राइट। अगर हम बात करें इसके ओनरशिप के बारे में, तो प्राइवेट ओन कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जहाँ पर आप MBBS के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ NDNMS। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, राइट। सो आ जाते हैं इसके नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। सो लेट्स से कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है फॉर द कोर्स MBBS, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में 100 सीट्स होती हैं, किसी में 150 होती है, किसी में 200 होती है, एंड योर मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर द MBBS डिग्री इज 250। तो देखते हैं इस कॉलेज में कितनी है। तो बेसिकली इस कॉलेज में 150 सीट्स अवेलेबल है, राइट। सो बात करें कि किस हिसाब से बाइफर्केट किया गया है नंबर ऑफ सीट्स को, 150 सीट्स को। तो यार 80 जो है आपका स्टेट कोटा के थ्रू होगा, बाकी बचा हुआ 20% दैट गोज फॉर द NRI स्टूडेंट्स यानी कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, सॉरी, इनके लिए गए। तो दिस इज द बाइफर्केशन फॉर द 150 रिस्पेक्टेड सीट्स फॉर द MBBS कोर्स। अब आ जाते हैं कि आप MBBS के अलावा क्या क्या कर सकते हो। सो लाइक आई सेड, यू कैन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें किया जाता है आपका ND और MS, ठीक है। इसके अलावा भी आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS और PhD और सॉरी PhD में। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन इन द MBBS कोर्स। सो अगर हम 12th से स्टार्ट करें तो PCBE मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके मेजर सब्जेक्ट्स होना जरूरी है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 50% होना जरूरी है 12th क्लास में। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 45% होना जरूरी है, और लेट्स से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% आपके मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपके जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी से हो तो 50%, ओबीसी एसटी एससी से हो तो 45%, और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो 40%। तो सेम क्राइटेरिया, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गोज फॉर द PG ऑल्सो। PG के लिए भी जाता है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में MBBS की डिग्री भी होना जरूरी है, जिसमें यू मस्ट हैव वैलिड स्कोर फॉर एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स, एंड उसके बाद में आपको नीट PG भी देना पड़ेगा। जैसे आप MBBS के लिए UG देते हैं तो ऐसे आपको नीट PG देना पड़ेगा। फॉर व्हाट? फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, MBBS विथ 50% प्लस नीट PG। सो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर व्हाट? नीट PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सो अब हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल फीस कितनी है। अगर आप बात कर रहे हैं 5.5 साल की, तो अगर 5.5 ईयर्स की अगर आपकी MBBS की डिग्री है, जिसमें से कि 4.5 साल आप देते हो पढ़ाई को, और 1 साल की जो है आपकी इंटर्नशिप हो जाती है, विच इज योर
पेड इंटर्नशिप राइट, तो अगर हम इसको माइनस भी कर दें तो आपका 52,02,000 पर रही, यानी कि 52 लाख मिनिमम आपकी जो है दैट इज योर कोर्स फीस फॉर द 4.5 इयर्स सिंस एक साल की आपकी इंटर्नशिप होगी. तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हुआ. एंड लाइक आई सेड, नीट का एग्जाम देना इज मैंडेटरी विदाउट क्वालिफाइंग योर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट. यू आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन द गिवन कोर्स. और बहुत सारे बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट लिस्ट भी निकालते हैं. जब सीटें बच जाती हैं तो उसके बाद में मेरिट लिस्ट भी निकालते हैं, ताकि जो भी सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स आए तो उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट होती है. बट अगर हम स्पेसिफिकली अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर एज सच मेरिट लिस्ट का कोई फंडा नहीं है. जो भी है वो नीट के बेसिस पे ही है. सो अगर आपका नीट का एग्जाम नहीं है क्वालिफाई तो आई एम सॉरी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. ओके, सो अब हम आते हैं कि MD में या आप MS करना चाहते हो, अगर आप PG करना चाहते हो तो कौन कौन से यहाँ पर ब्रांचेस हैं. सो किस किस में आप MD और MS कर सकते हो? आप जनरल मेडिसिन में कर सकते हो, जनरल सर्जरी में कर सकते हो, आप एनाटॉमी में कर सकते हो, एनेस्थेशियोलॉजी, पैथोलॉजी, योर डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटिस्ट्री, देन फार्माकोलॉजी, जनरल मेडिसिन. ये सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग जिनमें यू कैन गो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. आप उनमें MD कर सकते हो, MS कर सकते हो. अब अगर हम देखें MBBS के लिए क्या एज फैक्टर है, सो मिनिमम एज दैट इज योर 17 ईयर्स एंड योर मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स. बट वहीं पर अगर हम देखें, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो या लेट्स से आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, आप PhD करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर कोई एज सच आपका एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. यू कैन डू इन योर 30s, 40s, or 50s आप PhD करना चाहते हो तो आप अपने किसी भी एज में कर सकते हो, 30s, 40s, 50s में. बट स्पेसिफिकली MBBS करना चाहते हो तो उसके लिए एज फैक्टर होता है, दैट इज योर 17 to 25 years. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि यहाँ पर आप कौन कौन से कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कट ऑफ है MBBS के लिए और कितना कट ऑफ जाएगा आपका फॉर द PG के लिए. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MBBS कट ऑफ. अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 50th परसेंटाइल पे होना जरूरी है. एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 40th परसेंटाइल पे होना जरूरी है आउट ऑफ 720. सो अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 40th जाएगा आउट ऑफ 720. एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 50th परसेंटाइल होना जरूरी है आउट ऑफ 720. सो ये हमने स्टेट कोटा के हिसाब से बात की है फॉर द MBBS. बट लेट्स से आप नीट UG का कट ऑफ कितना होगा, ये तो हमारा नीट UG का था. नीट PG का कट ऑफ कितना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. ओके, सो आई डोंट हैव अ प्लेस तो यहाँ पर मुझे इसको मिटाना होगा, तो अगर आप चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लो राइट. सो अब हम बात करने वाले नीट PG के कट ऑफ के बारे में. ऑलराइट, ओके, सो नीट PG कट ऑफ. सो ध्यान से देखना कौन कौन सी कैटेगरीज है एंड देन हम बात करेंगे. सबसे पहले आपका आ जाता है जनरल कैटेगरी विथ EWS, दैट इज योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो इसके लिए आपको 302 मार्क्स आने जरूरी आउट ऑफ 720. वहीं पर अगर आप लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी विद फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन, 283 आउट ऑफ 720. देन कम्स योर OBC, ST, SC, तो आपका आना चाहिए 265 आउट ऑफ 720. एंड लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम OBC, ST, SC,
plus physically handicapped, then you must have at least. I think I'm. This pen is visible, right? Okay. सो जनरल कैटेगरी के साथ साथ में अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करें तो उसके लिए आपका कट ऑफ होना चाहिए 302, दैट इज योर 50th परसेंटाइल, यानी कि 302 आफ्टर 720. बट लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी विथ फिजिकली हैंडीकैप्ड सेक्शन से आप बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 283 मार्क्स आने जरूरी है अगेन आउट ऑफ 720. एंड लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एसटी और एससी, मतलब कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी 265 मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ 720. एंड योर लास्ट कैटेगरी इज अगेन ओबीसी एसटी एंड एससी, बट अगेन उसमें फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो फिर आपके 265 मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ 720. सो ये हमने डिस्कस किया है नीट पीजी का कट ऑफ. एंड इसके पहले जो मैंने आपको बताया था 50th परसेंटाइल और 40th परसेंटाइल वाला, That was your for the MBBS, मतलब कि NEET UG का कट ऑफ था according to the state quota. So I think I have cleared till now. और अब हम बात करते हैं facilities के बारे में. So separately अगर हम hospital की facilities के बारे में बात करेंगे तो you are going to get 24/7 your emergency services, ambulance services, जहाँ पर आपके doctors, staff, nurses ये available रहते हैं. लेबोरेटरीज बनी हुई हैं अलग से, ब्लड बैंक है विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द 24/7. एंड साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली बात है, अगर आप 5.5 ईयर्स के लिए MBBS कर रहे हो तो आप काफ़ी कुछ तक काफ़ी हद तक सीख जाते हो बिकॉज आपको पेशेंट्स को डील करना आ जाता है, आप डॉक्टर्स के अंडर काम करते हो, राइट? सो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है. तो अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में तो आई हैव टोल्ड यू. Now coming to the facilities about your campus, वहाँ का infrastructure कैसा है. So शुरुआत करेंगे इसके hostel से. You are going to get a separate hostel both for the boys and the girls. अगर कुछ events होते हैं, functions होते हैं तो उसके लिए अलग से एक auditorium बनाया हुआ है. Apart from that, cafeteria है where you can just go have fun with your friends and 4-time meals आपको मिलता है. Apart from that, अगर आप gym freak हो, आपको bodybuilding करना पसंद है, सो वहाँ पर जिम भी है. देन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स तो अलग अलग क्लब्स बने हुए, ग्राउंड्स बने हुए, क्रिकेट के लिए अलग है, बास्केटबॉल के लिए अलग ग्राउंड है, फुटबॉल के लिए अलग ग्राउंड है. सो ये सारी चीज़ें आपकी फैसिलिटीज़ में आ जाती है. लाइब्रेरी बनी हुई है जहाँ पर आपको अलग से यू नो शांति वाला अगर माहौल चाहिए तो यू कैन जस्ट गो एंड सिट देयर एंड स्टडी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मैंने जैसे कि बताया आपको लाइब्रेरीज है, कॉन्फ्रेंस रूम्स अलग है, सेशंस रूम्स अलग है. तो ये ओवरऑल आपकी कैंपस लाइफ के बारे में हमने बात की है. नाउ कमिंग टू द एक्सपोजर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग कोलैबोरेशंस होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से. सो जितना मैंने सुना है कि इस हॉस्पिटल में भी कई सारे कोलैबोरेशंस होते हैं जो कि यू नो अलग अलग हॉस्पिटल्स इनके कोलैब्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से. सो स्टूडेंट्स हैव दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी इंटर्नशिप्स करने को मौका मिलता है. एंड प्लेसमेंट फैक्टर इज ऑल्सो गुड बिकॉज जितना मैंने रिव्यूज पढ़े हैं उसमें से 70-80% स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड एवरी ईयर, राइट? सो हमने ये ओवरऑल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस कॉलेज के बारे में. हमने कट ऑफ डिस्कस किया है, इसकी फीस डिस्कस की है, उसका एफिलिएशन, एस्टैब्लिशमेंट, योर एक्सपोजर एंड मच मोर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. एंड इफ आई हैव स्किप्ड एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक किया है सो गो एंड चेक इट आउट बिकॉज हम लोग आपके लिए नीट प्रेडिक्टर लेकर के आए हैं और साथ ही साथ में वी ऑल्सो हैव नीट काउंसलिंग कोर्स स्पेसिफिकली फॉर यू दैट इज नीट एस्पिरेंट्स, जहाँ पर हमारे जो काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, एडमिशन प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट को कैसे टारगेट करना है, प्राइवेट को कैसे टारगेट करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मोर जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है नीट से रिलेटेड, जितने भी अपडेशन होते हैं, लेटेस्ट न्यूज है, वो आपको इस कोर्स में पता चलेगा. सो एनरोल योर सेल्फ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी,
और नीट प्रिडिक्टर को कैसे यूज करना है उसके भी डेमो वीडियोस आर अवेलेबल ऑन द चैनल, सो आप वो भी जाकर के देख सकते हो। सिर्फ आपको अपनी रैंक डालनी है और कैटेगरी डालनी है एंड यू आर डन। आपको प्रिडिक्टर प्रिडिक्ट करके बताएगा अपनी रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कि किन किन MBBS कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, सजेशन देना है, सो शूट आउट योर क्वेरीज एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.